বাংলা জুড়ে আজ কনকনে ঠান্ডা, ব্যাপক শীত পড়েছে উত্তরপ্রদেশেও। এক কথায় বলতে গেলে হার হিম করা ঠান্ডায় কাঁপছে ভারতবর্ষের অধিকাংশ এলাকা। নমস্কার, আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া পটেটো নিউজ। আর আজ আমরা আলুর গ্রাউন্ড রিপোর্ট নিতে সরাসরি চলে এসেছি উত্তরপ্রদেশের মেইনপুরি জেলার কুড়াবলি মান্ডিতে। চলুন এখন আমরা এখানকার আলু চাষি এবং ব্যবসায়ী বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিই আজকে এই মান্ডিতে আগত কোন কোন প্রজাতির নতুন আলুর কেমন দাম আছে, মান্ডিতে কত গাড়ি আলু আজ আমদানি হয়েছে, আলুর চাহিদা কেমন আছে, তথা এই কুড়াবলি মান্ডির আলুর বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক কি রয়েছে। দর্শক বন্ধু, সকাল থেকে সন্ধ্যে সারা ভারতবর্ষের এলাকা ভিত্তিক আলুর বাজারদর দেখার জন্য এখনই প্লে স্টোর থেকে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপ ডাউনলোড করুন। এই ভিডিওটিকে প্রত্যেকটি আলু চাষী এবং ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভিডিওটিকে ঝড়ের গতিতে শেয়ার করে দিন। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে নেবেন। নমস্তে ভাই, নমস্তে। বীরপাল বর্মা। বীরপাল বর্মা এন্ড ব্রাদার্স, কঞ্চন এন্ড ব্রাদার্স। আজ ये कुराली मंडी में लगभग आवक कितनी मोटर की होगी? लगभग आवक होगी 35 से 40 मोटर। 35 से 40 मोटर की। कल से ज्यादा आवक है या कम है? कल की समथिंग है। समथिंग कम बराबर है। हाँ, कल की। आलू क्या रेट आज बिका, हाईएस्ट या नीचे? 550 रुपए कुंटल से लेकर के 850 रुपए कुंटल तक बेचा है। और ख्याति के अलावा और कौन कौन सी वैरायटी का आलू आता है और क्या? यहाँ बंडवल है, पुखराज है, ख्याति है, लोकर है, सब आलू आते हैं। लोकर लाल आलू आ रहा है? हाँ, लाल आलू कम आ रहा है, अभी मोटर खाड़ की आवक है। तो उसकी क्या स्थिति है आलू? वो आलू बिक रहा है 800 रुपए से लेकर 900 रुपया कुंटल। 800 से लेकर 900 रुपये कुंटल। आलू में कल से कुछ बढ़ोतरी हुई है? हाँ, डाउन हुआ है। हाँ, लगभग 20-25 रुपया कुंटल का बढ़ोतरी हुई है। 20-25 रुपए कुंटल की। थोड़ा क्षेत्र से जो रिपोर्टें मिल रही है, पैदावारी थोड़ा कम है। पारताल से पैदावारी में 15 कट्टा लगभग बीघा का औसत एवरेज कम निकल रहा है, उस हिसाब से कुल मिला के रिपोर्ट सही रहनी चाहिए। आलू की स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। अच्छी रहनी चाहिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को कोई संदेश देना चाहते हो? बिल्कुल देना चाहते हैं। बताइए। किसानों को यही संदेश देना चाहते हैं, किसान साफ सुथरा आलू करके लाए और झुलसा जो लगा हुआ है उसके लिए अभी दवा का अधिक से अधिक प्रयोग करें जिससे बचा जाए, क्योंकि भविष्य अच्छा है, आलू का रेट अच्छा मिलना चाहिए। हमने अपने क्षेत्र में देखा है, किसान जैसे सरसागंज क्षेत्र में आलू कई जगह हम वीडियो देखते हैं, वहां पर बता रहे 700 रुपए कट्टा खेत में मांग रहे हैं अभी। तो ये नहीं, 700 नहीं, मेरा भी कल रात को बात हुआ था, 500 रुपए कट्टे में सौदा हो रही है, 500 रुपए। तो उनके आलू और यहाँ के आलू में क्या अंतर है? वहाँ के आलू यहाँ के आलू में अंतर है, वहाँ 37-97 आलू की सौदा हो रही है। 37-97 आलू, उनका ग्रेडिंग बढ़िया होता है, क्वालिटी बढ़िया होता है, उनके में बम्पर नहीं मिलेगा, टोटल मीडियम सट्टा मिलेगा। जो हमारे मैनपुरी फरुखाबाद और एटा के किसान जो आलू ज्यादातर करते हैं, उनको इस बारे में क्या आप संदेश दोगे जो आलू अच्छा करें? आलू अच्छे रेट ले गए। यहाँ का आलू किसान जो है वो ज़्यादा मोटा करने के चक्कर में रहता है, इसलिए क्वालिटी ख़राब हो जाती है। वहाँ का आदमी जो पैदावारी करता है वो आलू जैसे ही उसका मीडियम हुआ आलू उसका बेल कटवा देगा, रोक देगा आलू को, यही है कम पैदा करो मतलब क्वालिटी बनाइए, क्वालिटी का ही दम मिलता है। इस बार किसानों को जो हमारे पुखराज और 37-97 आलू किसान करते हैं, पुखराज और जो ख्याति आलू करते हैं, उसमें किसानों को नुकसान रहा है? हाँ, उसमें नुकसान होता है। और जो लोगों ने 37-97 आलू किया, चिपसोना किया, उसमें फायदा रहा? 37-97 और चिपसोना है, लोकर है, उनमें फायदा रहा है, हॉलैंड में फायदा रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शोभ सिंह वर्मा। ये आपकी फर्म का क्या नाम है? चंद्रा ट्रेडिंग कंपनी। ये जो हम आलू दिखा रहे हैं, ये क्या रेट आलू बिका जो है? आलू तलाई चल रही है। ये आलू बिका 251 रुपए मन। और ये कौन सा आलू है? ये है ख्याति। एक मन में लगभग कितना वजन होता होगा? 40 किलो। 40 किलो का एक मन होता है? 40 किलो। आज कुरावली मंडी में लगभग कितनी आवक होगी पूरी मंडी में? लगभग आवक होगी 40-50 मोटर की। 40 से 50 मोटर। 40 से 50। आज आलू क्या रेट बिका है? ऊपर से ऊपर नीचे से? 200 रुपए मन से लगा के 320 रुपए मन तक बिका है। आलू में रेट में कुछ बढ़ोतरी हुई या सस्ता हुआ? हाँ, आज बढ़ोतरी हुई कुछ। कितने रुपए मन की बढ़ोतरी हुई होगी? 10 रुपए मन। 10 रुपए मन की। कल क्या रेट बिका था? कल वही 11 रुपए बिका था।
आज वही 20 रुपए बिका, 21 रुपए। कल 311 रुपए मन तक आलू बिका था, आज 321 रुपए तक बिका है। हाँ, 10 रुपए बन गई बढ़ोतरी है। 10 रुपए। कल आपने क्या रेट बेचा था? कल बेचा था 270-280 रुपए मन। बढ़िया आलू था, ये आलू काली मिट्टी का, पीली मिट्टी का आलू बिकता है। इस कुरौली मंडी में मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्र का आलू आता है? अरे बहुत दूर का आता है, कुल क्षेत्र है। इधर आ रहा है फरुखाबाद साइड तक का, और इधर भोगा है, इधर जो है मलावन तक का है। आपका कौन सा क्षेत्र पड़ता है? हमारा अलीगंज। अलीगंज में आलू क्या पैदावार और कैसी स्थिति है आलू? पैदावार बढ़िया है, कम नहीं है। कई लोग झुलसा वगैरह क्या लग रहा? झुलसा हमारे यहाँ कम है, पहला ज्यादा अगाव आलू है। तू गोविंद मिश्रा? ये गोविंद जी, आपका आलू क्या रेट बिका है? 251 रुपया मन। 251 रुपए मन बिका है। आप किस जगह से आलू लेके आए? खटाना। खटाना। इस साल आलू की पैदावार कैसी है आपके क्षेत्र में? लमसम 35-40-45 पैकेट बीघा। पिछली साल से कम निकल रहा है? पिछली साल से कम निकल रहा है, पिछली साल 50-55 पैकेट बीघा की थी। और आपके क्षेत्र में कौन कौन सी वैरायटी का आलू ज़्यादातर होता है? हमारे क्षेत्र में हर वैरायटी का आलू होता है। ख्याति है, 37-97 है, मोहन कुफरी, लॉकर वगैरह, न्यू हॉलैंड वगैरह, सब वैरायटी का आलू होता है। आलू की खुदाई लगभग कितने परसेंट हो गई होगी? हमारे यहाँ अभी 4-5% बस। बहुत कम खुदाई हुई? बहुत कम खुदाई हुई है। और झुलसा वगैरह क्या, कैसी स्थिति है? जो पीछे से आलू गड़ा है उसमें झुलसा है, जो आगे से आलू गड़ा, जो अक्टूबर में आलू गड़ गया था उसमें झुलसा उलसा ज़्यादा नहीं है। वो आया भी है, वो आलू पूरा हो चुका है, उससे कोई फर्क नहीं है। झुलसा की वजह से कितना नुकसान होगा? झुलसे की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं है, 10-15%। 10-15% बस। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को या सरकार को कोई संदेश देना चाहते हो, क्या करना चाहिए आलू कैसी पैदावार के मामले में या फिर झुलसा उलसा के बारे में? किसान के लिए आलू की क्या है, भाव बढ़ना चाहिए और क्या है। और तो सब सही है, पैदावार तो मौसम के ऊपर है, जैसी मौसम होगा हर साल वैसी पैदावार होगी। आपने जो लागत लगाई है जी, उस हिसाब से आपको ये 251 रुपये मन बिका, आपकी लागत सीधी हो पा रही कि नहीं? वो खेत का हिसाब है, जिस इंसान ने जैसी लागत लगाई हो वैसे 12-13 हज़ार रुपया, 10-12-13 हज़ार रुपये बीघा का आलू हो जाता है। और क्या है, 10 हज़ार रुपया, कम से कम 8-12 हज़ार रुपये बीघा तक हो जाता है। इसमें कितने कट्टे बीघे का आलू निकला आपका? ये 50 पैकेट का। 50 पैकेट सही आलू निकला। बढ़िया। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। आपका आलू क्या रेट आज बिका है? आज 281 रुपये। 281 रुपये मन। आप किस जगह से लेके आई थी? बलीपुरा। बलीपुरा? हाँ जी, गांव बलीपुरा, पोस्ट टिंगरा, तहसील लीन, जिला एटा। जिला एटा से लेके आई थी। आपके क्षेत्र में आलू कैसी पैदावार निकल रही है? आलू की पैदावार ऐसा कम निकल रही पिछली साल से। कितने परसेंट कम होगी पिछली साल? पिछली साल से 20% कम। 20% कम है। हाँ जी। और मुख्यतः कौन कौन सी वैरायटी का आलू लगाया जाता है? आलू हमारे यहाँ ख्याति है, कंचन कुफरी है और पुखराज है, ये आलू लगती है हमारे यहाँ। ये कंचन पुखरी और आलू लग रहा है अभी। जो कंचन पुखरी लाल आलू होता है, हाँ जी, तो उसकी वो क्या रेट चल रहा है अभी? वो आलू अभी तो लाए नहीं है अभी, अब वो खुदने वाला है, जब लाएंगे पता लगेगा। अभी तो 320 तक की मंडी है आज की यहाँ मन के हिसाब से। और झुलसा की स्थिति कैसी क्या है? झुलसा के यहाँ आलू बहुत गया है, झुलसा लगा हुआ है, हमने स्प्रे भी किया है, हमारा भी 3 एकड़ आलू चला गया झुलसे से। झुलसे से बहुत ज़्यादा नुकसान है? नुकसान है, छोटा है आलू इसलिए झुलसा लग गया उसमें और नुकसान हो रहा है उसमें। और खुदाई कितने परसेंट तक हो गई होगी आपके? हमारे यहाँ खुदाई 40% हो गई लगभग। आलू 40% खुदाई हो चुकी है? हमारे यहाँ हो चुकी है। तो पिछैती फसल की क्या स्थिति है, कैसा आलू है? पिछैती फसल में कमज़ोर है, झुलसा लगा हुआ है तो कमज़ोर निकलेगी वो। और हमारे चैनल के माध्यम से आप किसानों को कोई संदेश देना चाहते हो? और संदेश कुछ नहीं, आलू फसल पैदा कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वैसा देखें, हर साल मद्दा हो रहा है, ऐसा मद्दा बिच रहा है। और आपने जो आलू आज किया था, आज ये कितने कट्टे बीघे निकला आज लेके आए? आज 30 पैकेट बीघा का निकलता है अभी, 30-35 का उतना ही निकल रहा है। उस हिसाब से आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है आलू? बराबर हो रहे हैं, नुकसान ना हो रहा ना फायदा हो रही, जितना लगाया उतना ही हो रहा है बस, कोई फायदा नहीं हो रहा है। कितने हज़ार रुपये बीघे का आपकी लागत लग गई थी? लागत में इतना याद नहीं रख पाते हैं हम,
इतना का ध्यान लगाएं भाई। नहीं फिर भी लमसम मान लीजिए आलू पड़ता है 5-6 पैकेट बीघा का आलू पड़ता है, अब 6 पैकेट बीघा 300 रुपए कम से मिला नहीं है। 10,000 रुपए बीघे की ऑल टोटल मान लीजिए 8,000 रुपए से 10,000 रुपए लमसम लगती है। अगर जैसे कई लोग बटाई पे करते हैं, उगाई पे लेकर करते हैं, उनको नुकसान ही हो रहा होगा। उनको बराबर हो पाते हैं, नुकसान ही हो रहा है और क्या है, फायदा नहीं हो रहा उनको भी। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को कोई संदेश देना चाहते हो? संदेश यही है, आलू कर रहे हैं फिर भी अब इस साल जा रहा है आलू, तो अगले साल मिलेगा, कभी तो मिलेगा फसल में लाभ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? परवेंद्र सिंह। आप किस जगह से आए हो? तेजपुरा। तेजपुरा। ये जो हम दिखा रहे हैं आलू की तुलाई चल रही है, ये आलू आज क्या रेट आलू बिका है? ये 295। 295 रुपये मन। एक मन में कितना वजन होता है? 42.5 किलो। 42.5 किलो। और ये लोग तो 40 किलो बता रहे हैं। 40 और 42 किलो का क्या चल? 42 पक्का 40 किलो होता है। तो कटिया तो 2.5 किलो। 40 किलो एक मन में होता है आलू। आपके क्षेत्र ये आलू कौन सा आलू था? ख्याति आलू है। इसकी कैसी पैदावार है? बढ़िया है। कितने कट्टे बीघे के निकला? निकले आते हैं 60 के 50 के, कुछ लोग 70 के भी निकाल ले। अभी जो आप लेके आई ये ख्याति आलू क्या कितने कट्टे के निकला होगा? 50। 50 कट्टे बीघे का। तो पैदावार अच्छी है इस बार? अच्छी पैदावार है या पिछली साल से कुछ हल्की है? पिछली साल तो हल्की है। पिछली साल से हल्की है? पिछली साल कैसा निकल रहा था? पिछली साल बहुत निकलता था आलू। झुलसा वगैरह क्या स्थिति है आपके? झुलसा चालू है, अब कुछ लोगों ने हम लगी हुई वो और प्रवाही चल रही तब तो लगवे ही लगवे। जो पिछड़ी फसल है उसमें धान, ये तो वैसा खेत होगा जो धान वाले फसल में, उसमें कैसा झुलसा है? झुलसा मतलब लग गो, प्रवाही चल रही अब तो और ही लगवे, खुले लोगों के हम लगो खूब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? विजयन सिंह। ये जो आपका आलू है हम जो हम दिखा रहे हैं, ये क्या रेट आलू बिका है? 295। 300 रुपये। 300 रुपये मन। हाँ जी। आप किस जगह से आलू लेके आई है? गटिंगरा। गटिंगरा। हाँ जी। आपके ये कौन सा आलू था आपका? ख्याति। ख्याति आलू था। हाँ। इसके अलावा और कौन कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्र में लगाई जाती है? पुखराज है, ख्याति है। पुखराज और ख्याति। आलू की खुदाई आपकी तरफ कितनी हो गई होगी? लगभग 40%। कितनी हो गई होगी? 40%। 40% कच्चे आलू की। हाँ। और ये पिछेती फसल का कैसी स्थिति है? सही है। এই অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত সমস্ত বক্তব্য বক্তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত, এই অনুষ্ঠান বাজারের নির্ধারক নয়। অনুগ্রহ করে ব্যবসায়িক পদক্ষেপের পূর্বে নিজের বিচার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। আলু রাখা বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ, আলু রাখার পূর্বে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপ থেকে বিগত বছরের লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট ও তার পরিপ্রেক্ষিতে আলুর দামের ওঠানামা দেখে নিন। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে, আলুর প্রাত্যহিক বাজারদর, আলুর সর্বভারতীয় বাজারদর, আলুর সকালের বাজারদর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।